लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल, जहाँ पर तमाम बड़ी से बड़ी फिल्में चलती हैं, ओस्कर विनिंग फिल्में, खासकर अवार्ड विनिंग फिल्में ज़्यादा चलती हैं। और सबसे बड़ी खासियत, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी फिल्में चलती हैं और किसी भाषा की फिल्में वहाँ नहीं चलती। लेकिन एक भारतीय फिल्म ऐसी है जिसने ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और यह फिल्म है साउथ की बनी बाहुबली। बाहुबली एक पहली ऐसी नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जो इंग्लैंड के रॉयल अल्बर्ट हॉल, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में चली, और वहाँ पर जितने भी लोग मेंबर्स ने इसे देखा उन्होंने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी कि बाहुबली उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई। और यह हिंदी फिल्म नहीं है बाहुबली जो वहाँ पर चली है, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म जो बनी है, यह इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज, शायद ये मूवी ओरिजिनली तमिल में बनी है, तो यह तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो वहाँ पर चली, और वहाँ पर लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और इसको 5 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। रॉयल अल्बर्ट हॉल का एक वीडियो इस फिल्म के डायरेक्टर SS अच्छा मौली सर ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रॉयल अल्बर्ट हॉल ने हमको स्टैंडिंग ओवेशन दी, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा रॉयल अल्बर्ट हॉल की अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये 148 साल पुराना थिएटर है। 148 साल पहले लंदन म्यूजियम के साथ इसका उद्घाटन किया गया था, और तब से लेकर आज तक इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही चली हैं। अंग्रेजी फिल्मों का रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में पूरी तरह से बोलबाला रहा है, लेकिन बाहुबली एक ऐसी पहली फिल्म बनी है जो वहाँ पर नॉन इंग्लिश फिल्म है, और उसको रॉयल अल्बर्ट में चलाया गया है। और ये खुशी होने वाली बात तो है ही हर एक भारतीय के लिए। बाहुबली, जिसको इंडिया में इतना पसंद किया गया, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और बाहुबली ने जनता के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और उसके चक्कर में बाहुबली द कंक्लूजन ने भी तो हद ही कर दी थी रिकॉर्ड तोड़ने के मामले में। और जब कोई मूवी इंडिया में इतनी चल जाती है, 140 करोड़ लोगों देश की जनसंख्या जिसकी, और वहाँ पर कोई मूवी इतना चले, तो उसको सुर्खियाँ तो मिलेंगी ही विदेशों में भी। और यही कारण है कि बाहुबली को इंग्लैंड में भी लंदन में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, और वहाँ पर जो लोग मूवी देखते हैं वो फिल्मों के जानकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।